नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग के लिए एकदम स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ। इन्फिनिक्स नोट 30 सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इन्फिनिक्स नोट 30 और नोट 30 5G में क्या स्पेसिफिकेशन होगा, क्या डिजाइन होगा, मैंने दो डिटेल वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख सकते। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स नोट 30 VIP नाम का एक एडिशन लॉन्च होने वाला है, जो कि मेरा मानना है जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा प्रोबेबली प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट ऑलराउंड वाला स्मार्टफोन होगा। तो इसलिए इस वीडियो में आपको इस इन्फिनिक्स नोट 30 VIP के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पे नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो देखिए, इस बार का जो इन्फिनिक्स नोट 30 सीरीज पीछे से दिखने में एग्जैक्टली ऐसा होगा। तो कहा जा रही है कि जो VIP वाला एडिशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का इसका भी डिजाइन होगा। फोन का थिकनेस होगा 8.2 मिलीमीटर और वेट होगा 184 ग्राम। इसके पीछे आपको मिलेगा फुल्ली प्लास्टिक का बैक कवर और कलर के मामले में आपको इसे मिलेगा व्हाइट और ब्लैक। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.7 इंच फुल HD प्लस 120Hz 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 240Hz का टच सैंपलिंग रेट, 1200 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन वो आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। अभी इसके डिस्प्ले में आपको HDR कंटेंट का सपोर्ट, मतलब HDR 10 या फिर 10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रोसेसर की अगर बात करें, ये फोन होने वाला है दुनिया का पहला डिवाइस जिसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8050 5G प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। और वैसे ये जो प्रोसेसर है डायमेंसिटी 1200 का एक रिबैंडेड वाला वर्शन है। कैमरे में आपको मिलेगा 108, 16 और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। अभी इसके रियर कैमरे के साथ आपको OIS का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। ये जो फोन बस एक ही वेरिएंट पे आएगा, जो कि 12GB रैम 256GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 68W का चार्जर और उसके साथ USB Type-C का कनेक्टिविटी। तो अगर हम इसके कुछ बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल स्टीरियो स्पीकर तो डेफिनेटली होगा, लेकिन वो स्पीकर हमें मिलेगा JBL की तरफ से। तो यही था इन्फिनिक्स नोट 30 VIP एडिशन का फुल एंड कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिकेशन। तो सबसे मेन चीज कब आने वाला है, किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है। तो देखिए, जितना मुझे लग रहा है ये जो स्मार्टफोन सबसे पहले नाइजीरिया के मार्केट में लॉन्च होगा, उसके बाद ही इंडिया, बांग्लादेश, मतलब ये सब जगह पे लॉन्च होगा। मतलब अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू लीक्स कहा जा रही है इसका लॉन्च डेट है मई महीने के आखिर पे। और अगर प्राइस के बारे में बात करें तो जब स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होगा कहा जा रही है इसका प्राइस होगा 25,000 रुपए के आसपास। तो अभी हर वीडियो का जैसा इधर से देखेंगे कि क्या ये जो नोट 30 VIP 25,000 के अंदर अगर लॉन्च होता है अकॉर्डिंग टू लीक्स, तो क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे बेटर दूसरा कोई अवेलेबल है। तो देखिए, अगर मैं अभी आज के दिन में देखते कि 25,000 रुपए पे नया कौन कौन सा स्मार्टफोन है सबसे बेस्ट, तो मेरे ख्याल से Realme 10 Pro Plus सबसे बेस्ट डिवाइस है। तो अगर हम उसके साथ कंपेयर करते डिस्प्ले के मामले में, नो डाउट Realme है बेटर, क्योंकि Realme पे आपको मिलेगा डुअल कर्व डिस्प्ले, लेकिन इन्फिनिक्स के इस फोन में आपको मिलेगा टोटली फ्लैट डिस्प्ले। प्रोसेसर की अगर बात करें, इन्फिनिक्स इधर बेटर, क्योंकि Realme पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर, लेकिन इस इन्फिनिक्स के फोन में आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8050 प्रोसेसर, जो कि 2 साल पुराना जो डायमेंसिटी 1200 है उसका रिबैंडेड वर्शन है। अभी जो डायमेंसिटी 1200 प्रोबेबली उसका एंटूटू स्कोर था 7 लाख के आसपास और ये जो डायमेंसिटी 1080 इसका एंटूटू स्कोर है 5 लाख के आसपास। मतलब दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। कैमरे की अगर बात करें, अगर दोनों ही फोन में हमें OIS नहीं मिलता है तो हम सिर्फ देखेंगे इसके मेगापिक्सल काउंट के मामले में। तो ज्यादा मेगापिक्सल नंबर के बारे में इन्फिनिक्स इधर डेफिनेटली बेटर। रैम और स्टोरेज के मामले में 25,000 पे इन्फिनिक्स का ये जो स्मार्टफोन आपको सबसे ज्यादा रैम और स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। चार्जर की अगर बात करें, ऑलमोस्ट रियलमी के जैसा ही। और हाँ, स्पीकर की अगर बात करें, दोनों भी आपको मिलेगा डुअल स्पीकर, लेकिन इसमें आपको मिलेगा स्पेशली JBL की तरफ से ट्यून किया गया स्पीकर। तो मतलब देखिए, वीडियो का अपने में ये चीज कह सकते हैं, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन को देखते डेफिनेटली 25,000 रुपए के आसपास है जो इन्फिनिक्स नोट 30 VIP जो लॉन्च होने वाला है प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट ऑलराउंड वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली होगा अगर इंडिया पे लॉन्च होता है तो। क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम एक VIP एडिशन लॉन्च हुआ था, बहुत ही बढ़िया उसका स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इंडिया पे वो लॉन्च नहीं हुआ था।
तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताने कि अगर अकॉर्डिंग टू लीक्स 25,000 पे ये जो वीआईपी वाला एडिशन अगर लॉन्च होता है तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे, या फिर सेम प्राइस पॉइंट में आपको जो रियलमी की तरफ से दूसरे फोन मिलेगा आप उसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।